नमस्कार, हेलो, आदाब एंड वेलकम टू इनविडियो गेम्स यूट्यूब चैनल और मैच नंबर 23 इंडियन लीग T20 के प्रेडिक्शन गेम प्ले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। भिड़ रही है यहाँ पर राजस्थान की टीम दिल्ली के सामने। हम लोग बने राजस्थान, टॉस के लिए आ चुके हैं यहाँ पे कप्तान दोनों और एम्पायर्स के साथ। यहाँ पे टॉस का वक्त कॉल जो है वो जा रहा है इस वक्त राजस्थान के पास। मौका है टॉस का, टेल्स के साथ गए हैं यहाँ पे और रिजल्ट जो आया है वो टॉस का, हम लोग हार रहे हैं। राजस्थान यहाँ टॉस हारता हुआ, अपोनेंट ने बैटिंग का फैसला किया है तो यहाँ पे दिल्ली आ रहा है बैटिंग में। किस्मत देखिए, फिर हमारे किस्मत में रनचेज आया है यहाँ पे मैदान आज का। बैटिंग के आएंगे लिए आएंगे पंत और धवन। दिल्ली की शुरुआत, लास्ट टाइम 20 रन तक हमने चेज किया था। तो देख गेंदबाजी जॉफर आर्चर के पास, तेज गेंदबाज के साथ जा रहे हैं हम लोग पहले ओवर में, दूसरा स्पिनर के साथ। गेम्स तो आप लोग खेलते ही होंगे, वह यही गेम्स खेल के आप हमारे आज के ऐप पैसे कमा सकते हैं जिसका नाम है विंजो। IPL के टाइम पे यहाँ पे मैं अपनी टीम बनाकर पैसे कमा रहा हूँ। विंजो पे आप लूडो, कैरम, बबल शूटर, रमी, फ्री फायर जैसे गेम्स खेलकर भी पैसे कमा सकते हैं। यही नहीं, यहाँ पे आप रिफर करके भी बहुत से पैसे कमा सकते हैं विंजो सुपरस्टार प्रोग्राम के थ्रू। तो अलग अलग फॉर्मेट में अपनी फेवरेट गेम्स खेलें और पैसे कमाएं। बात करें अगर फैंटेसी की तो विंजो में आपको डेली 20,000 रुपये तक कमाने का मौका मिलता है। यहाँ पे आप रुपये 5 से लेके 1,000 तक की टिकट से खेल सकते हैं और आराम से 10 गुना कमाई भी कर सकते हैं। शुरुआत में विंजो पे आपको 100 क्रेडिट मिलते हैं जिससे आप टोटल 11 प्लेयर्स की टीम बना सकते हैं। एक टीम में से 7 प्लेयर चुन सकते हैं। कैप्टन पे आपको 2 गुना, वाइस कैप्टन पे आपको 1.5 टाइम्स पॉइंट मिलता है। विंजो पे आप अपने दोस्तों के साथ प्राइवेट टीम बनाकर भी खेल सकते हैं, ये ऑप्शन भी है। तो वेट किस बात का करना है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है अगर वहां से आप इंस्टॉल करते हैं, साइन अप करते हैं तो आपको 50 रुपये का बेनिफिट फ्री फैंटेसी टिकट के रूप में मिलता है। तो एक बार जरूर ट्राई करें। चम्स की लाइन में थोड़ा सा दूर रखा है, बाहर की तरफ स्विंग कराया था, आउट स्विंग, मिड विकेट पे बढ़िया गैप में शॉट, सिंगल, खाता खोलेगा दिल्ली का। लेफ्ट हैंडेड है तो स्ट्रेटजी काफी हद तक सेम रहेगी। हेलीकॉप्टर शॉट, गैप में से 4 निकाला पंत ने। इससे पहले धवन ने जो शॉट खेला था वो भी गैप में गया था, लेकिन इस बार मिड विकेट पर ही खेला शॉट और गैप में से 4, दम था शॉट में, इसलिए स्विंग करा रहे हैं बाहर की तरफ फिर से। लास्ट टाइम ट्राई किया था शॉट सिलेक्शन, इस बार ऑफ साइड पे, कोई रन नहीं, कवर पे खेला। गेंदबाज की निगाहें स्टंप्स पर, यॉर्कर लेंथ गेंद स्लोवर रखी थी, काम कर गई ट्रिक, ये ट्रिक नहीं एक्चुअली प्लान था और सफलता मिलती हुई यहाँ पे। पंत यहाँ पर बोल्ड होंगे, अभी तक हमने दोनों गेंद तेज डाली थी, अचानक से पूरा पेस कम कर दिया और स्लोवर में बोल्ड। गेंदबाज का प्लानिंग हो गया सफल, खुशी बनाता हुआ यहाँ पे राजस्थान, एक सफलता मिली है। फिर से यॉर्कर लेंथ, इस बार इनसिंग गेंद कराई थी, यॉर्कर लेंथ पे स्विप शॉट खेला जो कि रिस्की काफ़ी था, लेकिन सिंगल मिलेगा। धवन के सामने भी स्लोअर गेंद की स्पीड के साथ आगे बढ़ेंगे। हेलीकॉप्टर फिर से इस बार, लेकिन फील्डर के पास पिच खा के डॉट। पहला ओवर बेहतरीन, अगला ओवर स्पिनर को दिया है रियान पराग। यहाँ पर लेट कट बैक फुट पर से कवर पे पॉइंट पे खेला, सिंगल निकाला, स्ट्राइक रोटेट धवन के पास। अब साइड में कोई बदलाव नहीं, यहाँ पे ओवर द विकेट ही आ रहे हैं, राइट ही हो या लेफ्ट ही, फिर से पॉइंट पे खेला, इस बार रन आउट का चांस नहीं बनेगा, थ्रो बहुत खराब। स्कोर कार्ड पे इतने रन बने नहीं है कि खुश हो सके यहाँ पर दिल्ली, और जरूरत है अब कम से कम 2 बड़े हिट की। यहाँ डॉट जा रहा है ऊपर से, वेरिएशंस है नहीं पराग के पास लेग स्पिन और टॉप स्पिन के अलावा, उसी में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अब 3 दिनों के बाद पढ़ लिया था इसको और बहाने लगा दिया है, शानदार 6 रन। ऑप्शन ट्राई कर चुके थे अपनी तरफ से जितना था, शॉट भी काफ़ी अच्छा खेला इन्होंने, पूरा बॉडी रोटेट करके हिट किया है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक और 6 पड़ सकता है, ये गेम बिल्कुल पिछली बार जैसी थी, लेकिन शॉट सिलेक्शन बिल्कुल अपोजिट है, स्क्वायर पे खेला था, इस बार पॉइंट बना रहा है, रिजल्ट वही 6 रन। रहा ने इस वक्त पूरी तरह से डोमिनेट करते हुए पराग को, 2 बैक टू बैक सिक्सेस, आखिरी गेंद अभी बाकी है, 20+ का चांस बनेगा, बन गए हैं 20+ का। पिछले 2-3 मैचों से आखिरी गेंद डॉट चली जा रही है, मुझे लग रहा है आज भी डॉट जाएगी। एडवांस खेला है, कोई रन नहीं, जी हाँ डॉट गई, 21 का टारगेट। ये रही मैच समरी, राजस्थान को 21 करने हैं। रहाने की अग्रेशन बैटिंग के कारण, अग्रेसिव बैटिंग के कारण थोड़ा बहुत सम्मानजनक स्कोर बना दिया है दिल्ली ने। शुरुआत सेकेंड इनिंग के इसमें ही तो बटलर करेंगे राजस्थान के लिए। पहली ओवर इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर नहीं गई अच्छी तो फिर दूसरी ओवर में क्या होगा कोई नहीं जानता। गेंदबाजी दी है रवाड़ा को, राइट आर्म फास्ट, तैयार खेलने के लिए। मैच का पहला सेकंड इनिंग का डॉट गेंद, कवर पे नहीं खेल रहे, थोड़ा सा चेंज किया था शॉट सिलेक्शन, पॉइंट पे टारगेट किया है 6। जब नई नई हम लोगों ने खेलनी शुरू की थी गेम तो हम लोग हमेशा वी आकार में खेलते थे क्योंकि लगता था कि बैट की रेंज में, लेकिन ऐसा होता नहीं था, पॉइंट पे खेल रहे हैं हम लोग। शॉट सिलेक्शन पूरी तरह से बदल दिया है, यहाँ पर कैच का चांस बनेगा, जी आउट होते अगली गेंद पे, जहाँ पे एक गेंद पे 6 लगाया बटलर ने, अगली गेंद पे विकेट भी गंवा दिए।
रबाडा और साथ ही साथ दिल्ली को यहाँ पहली सफलता। अभी भी चार गेंदें इस ओवर की बाकी हैं, देखते हैं क्या होता है। अलग नहीं किया था इस बार, वही बल्लेबाज की लाइन में दी थी हमने। वी आकार में ना खेलकर हमने काफ़ी हद तक पॉइंट के हिस्से खिलाड़ी के रूप में आएंगे। स्टोक्स लेफ्ट हैंडेड, क्रॉस खेलने वाला हूँ मैं, बल्ले पे आ जाए बस। इच्छा तो हमारी पूरी हुई है, सिंगल भी आता हुआ। 8 गेंदों में 14 गेंद डॉट जाती है तो रन रेट भी गिरेगा। और यहाँ पे कैच मैंने सोचा नहीं था, लेकिन कैच ड्रॉप हुआ, अरे मैंने रन दौड़ा दिया, लेकिन बेवकूफ़ी। अरे यार गड़बड़, आउट आउट आउट। अब एक फ़ायदा ये है कि 10 विकेट रहते हैं आपके पास, तो एक आध विकेट का नुकसान तो इसमें बहुत ज़्यादा झटका नहीं देता। सेलिब्रेशन फिर स्टार्ट होगा लगातार यहाँ दिल्ली के खेमे में। विकेट खो दिया हमने, एक लेफ्टी गए, दूसरे लेफ्टी आए। यहाँ डेविड मिलर पिक किया, अरे कहाँ खड़े थे, उम्मीद कर रहा था बाहर जाएगी। हालत बहुत ही ख़राब यहाँ पे। 3 विकेट हमने खो दिए लगातार। रन भी इतने कुछ खास ज़्यादा है नहीं, रन रेट अब पर गेंद 2 रन हो गए हैं। सबसे ज़्यादा दिल्ली के फैंस को शुरुआत ऐसी हुई थी, लग रहा था कि शायद पहली ओवर में ही ना हार जाएं ये लोग, लेकिन अब 3 विकेट के बाद हालात बदल गए। कुछ ज़्यादा ही बाहर चले गए थे हम लोग ऑफ साइड पर। अब यहाँ रिप्ले तो कुछ और ही आ रहा है। पता नहीं क्या कहूँ अब मैं इसको। सैमसन नई खिलाड़ी, 150 की रेटिंग बैटिंग में। स्पिनर नया ओवर की शुरुआत हो चुकी है, पहली गेंद बीट, बल्ले पे गेंदे आ नहीं रही हैं, ज़्यादा गेंदे बची भी नहीं है रिस्क लेने के लिए। परफेक्ट शॉट, 6 लगे तो कुछ जान आए इनिंग में, वरना नहीं। कैच का कॉल और आसानी से ये लीजिए, कुछ हुआ है गेम में, लैग हुई लेकिन आउट। रास्ता कुछ बचा है नहीं, बड़े हिट करो, अब सिंगल डबल से बात बनेगी नहीं। वही करने की कोशिश स्टॉक्स ने, वहाँ मिली निराशा। दिल्ली एक बार फिर सेलिब्रेट करेगा, हर गेम के बाद सेलिब्रेट कर रहा है दिल्ली। बाजों ने इतना दबाव बना लिया था कि अब बड़े शॉट लगने ही बंद हो गए, जब लगे तो फिर एक शानदार कैच डीप में स्ट्रेट पर, कैच किया रनिंग कैच। तप्पा नए खिलाड़ी के रूप में आते हुए, थोड़ा लेट खेला हमने, बदकिस्मती यह है कि एक कैच पोजिशन में जा रहा है। हैट्रिक ले ली गए, नहीं 2 विकेट गए लगातार। अब जब गेंद बल्ले पर लग रही है तो दूरी तय नहीं कर पा रहा कि 6 जा सके। हार लगभग निश्चित हो गई यहाँ पे राजस्थान की, और दिल्ली जीतता हुआ है मैच को। नौ बॉल्स अवॉइड करनी होगी, अब सिंपल सादी, आसानी से नहीं खेलने देना होगा शॉट्स, एक गेंद और बस, आसान है फिर जीत। नेक्स्ट खिलाड़ी पराग, देखना है क्या ये भी आउट ना हो जाए। हैट्रिक पे गेंदबाज, 2 में 13, एक भी गेंद डॉट की मतलब गेम खत्म, आउट आउट। LBW क्लम्प, नॉट आउट दिया, बाहर जा रहा है क्या। इस वक्त हार तय हो चुकी है, राजस्थान एक फॉर्मेलिटी करता हुआ, और जी हाँ 13 रन 12 रनों की एक बहुत बड़ी हार यहाँ पे। निराशा हाथ लगी, पिछले मैच में हमने अच्छा खेला था, हमने ये भी उम्मीद की थी शायद 8-9 गेंदों में हम लोग कर जाएंगे चेज, लेकिन पूरी ओवर खेलने के बाद भी नहीं कर। यह है मैच समरी, प्रेडिक्शन बहुत ही क्लियर हो चुका है कि आज के मैच में दिल्ली जीतना चाहिए। देखते हैं रियल मैच में क्या होता है, कुछ घंटों के बाद शुरू होगा तब आइडिया मिलेगा। अभी के लिए मैं ले रहा हूँ विदा, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना सपोर्ट प्यार हमारे वीडियोज़ और चैनल पे देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।